हेलो गाइज, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स लवर। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे और मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी कबूतरबाज भाई हैं पिजन्स लवर भाई, सबकी कबूतरबाजी एक नंबर चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही, कोई भाई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो यार अपने भाई को बताओ ना यार, तुम्हारा भाई किस लिए है, तो यार कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। आज की वीडियो बहुत छोटी बनाऊंगा, ठीक है भाई। और ये नए नए बंदों के लिए जो नए नए कबूतरबाजी करते हैं, नए नए शौक में आते हैं, भाई सिरिंज तो हर कबूतरबाज की छत पे रहनी चाहिए, ठीक है भाई। तो सिरिंज रहनी चाहिए, तो देखो भाई ये इतना मोटा है, कबूतर के मुंह में तो डायरेक्ट डालोगे नहीं, ठीक है भाई। मैंने दो वीडियो पहले भी बना रखी है, पार्ट तीसरा बना रहा हूँ, और भाई पहली बता रहा हूँ, सब भाइयों को ये चीज़ पता होगी, मैं बस उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनको यार तकलीफ़ होती है कुछ कुछ चीज़ों में, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाती। मैंने, अगर आपको याद होगा, तो दो वीडियो पहले बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कबूतर को जो पानी देते हैं, जो इसके आगे वो पाइप सी लगती है, वो कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। एक मैंने साइकिल वाला बताया था और एक मैंने बताया था तार वाला, ठीक है। अगर वो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं आपको तो बहुत बढ़िया की बात है यार, और अगर नहीं मिल पाती आपको तो भाई मैं आपको एक तीसरी चीज़ आज दिखाऊंगा यार, देख ही लो। तो भाइयों ये है वो तीसरी चीज़, मुझे पता है 99% भाइयों को पता होगा, बस कुछ भाई होंगे अपने गिने चुने जो नए नए शौक में आए होंगे, वो बोल रहे होंगे भाई ये क्या चीज़ है। तो भाइयों आपको ये पता होगा, आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे। तो पहली बता रहा हूँ, देखो भाइयों एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बस उन बंदों के लिए जो कबूतरबाजी में नए नए शौक में आए। ये मत बोलना कि अरे भाई मुझे पता है, मुझे मत सिखा, ये मत कर, वो मत कर। यार मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बना देता हूँ कभी कभार जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता कबूतरबाजी के बारे में, इसीलिए फटाफट बोल रहा हूँ भाई, ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना खिंच जाए। भाइयों अगर आप हॉस्पिटल गए होगे कहीं भी किसी भी कारण से, ये पाइप होता है, अगर आप हॉस्पिटल गए होगे तो ये पाइप होता है और इससे लोगों को पानी चढ़ता है, खून चढ़ता है, जो भी है, ठीक है। तो आप ये ले आओ और इसको काट के अपने सिरिंज के आगे लगा सकते हो, ठीक है भाई। और इससे कबूतर को कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से इसे काट लो इतना। और भाई कबूतर के जो पाइप होता है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला पाइप, ठीक है भाई, इसके आगे आप लगा लो, ठीक है। और भाई ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो कबूतर के गले में कितना भी भाई से उतार दो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, देख, ठीक है भाई, बिल्कुल लचीला होता है। तो भाई आप ये ले सकते हो, ठीक है, आप एक ले आओगे आपका बहुत दिन का काम चल जाएगा इससे। और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पाना है, मतलब आपको कैसे मिलेगा, आप तक ये चीज़ पहुँचेगी कैसे, ठीक है भाई। आपको जाना है मेडिकोस पे, मेडिकल दुकान पे, जहाँ से आप दवाइयाँ लाते हो, जो भी दवाई मैं बताता हूँ, ठीक है, जहाँ से भी आप कबूतरों की दवाई लाते हो, आप वहाँ पर जाना और जाकर बोलना कि पानी चढ़ाने वाला जो पाइप होता है वो दे दो, ठीक है भाई, वो आपको दे देगा। और अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डिस्पेंसरी चले जाना, ठीक है भाई, वहाँ पे जाना और वहाँ से जो यूज़ करा हुआ होगा उसे ले आना। पहले भाई मेरे ध्यान से बात सुनना, ठीक है भाई, कुछ गलत नहीं बता रहा। जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ भाई होते हैं छोटे छोटे जिन पे पैसे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते ये सब चीज़, तो उनके लिए बता रहा हूँ यार मैं, जाना हॉस्पिटल डिस्पेंसरी कहीं भी चले जाना, वहाँ से ले आना, ठीक है। घर पे आने के बाद इसको गर्म पानी में उबाल देना, बिल्कुल पानी गर्म करके खौलाना और उसके अंदर इसको डाल देना अच्छे से, इसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जो भी चीज़ इसके अंदर से निकली होगी, यूज़ हुई होगी, भाई सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। आप यूँ झाड़ लेना या फिर इसको धूप में सुखा लेना और आराम से कट करके ट्राई करना। तो बस भाई आज की वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि बस दो पार्ट बना दिए थे, लास्ट तीसरा पार्ट रह रहा था इसका, आखिरी चीज़ बची हुई थी, तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था अब वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, तो बस यार जल्दी से वीडियो बना के इसे ख़त्म करते हैं। पाइप पाइप वाला कब तक सिस्टम करेंगे, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। तो यार अच्छी नहीं लगती यार ये छोटी छोटी चीज़ों पे वीडियो बनाना, लेकिन भाई मैंने बना दिया यार, क्योंकि कुछ भाई बोलते हैं कि भाई मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाती ये सब चीज़ें, कुछ कुछ भाई गाँव में रहते हैं, कोई कहीं रहता है। तो भाई मैंने तीन चीज़ बताई है, तीनों में से यार कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी यार। साइकिल वाला मिल जाएगा, वो सबसे आसान है, तो आप वो कर लेना, वो ना मिले तो तार वाला, लेकिन तार थोड़ा हार्ड हो जाता है कटने के बाद, तो ये भी सॉफ्ट होता है, साइकिल वाला भी सॉफ्ट होता है, तो आप कर लेना। तो अभी मैं आपको कट करके दिखाता हूँ इसे कैसे कैसे लगाना है, कैसे कैसे नहीं, ठीक है। मैंने इसे धो लिया अच्छे से, बस आपको करना है इतना ले लेना, इतना, हाँ इतना काफ़ी होगा। अरे कैंची कहाँ चली गई, ठीक है भाई, इतना ले लेना और इसको यहाँ से कट कर देना, ठीक है भाई, ये कट गया। अब इसको मैं आपको बताता हूँ लगाना कैसे, और भाई थोड़ा रंग इग्नोर करना है, नेल पॉलिश मैंने लगा रखी है, मेरा नखून कट गए थे तो दर्द हो रहा था, तो इसलिए लगाइए भाई। और इसको भाई ऐसे ऐसे लगाना है, एक सेकेंड, बहुत इजी है भाई लगाना, ये लग गया, ठीक है भाई। तो भाई आप ऐसा कर लेना,
मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है और बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है आप सभी भाइयों के लिए, जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं, बाकी सभी अपने जो कबूतरबाज है, उस्ताद लोग हैं, जितने भी खलीफा लोग हैं, सबको तो पता ही होगा। बस मैंने छोटे छोटे भाइयों के लिए लगा दिया, क्योंकि यार कबूतरबाजी एक ऐसा शौक है ना कि इसको ना भाई बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को वो करो कि नहीं मत कर भाई कबूतरबाजी, हम तो यार प्रमोट करते हैं कबूतरबाजी को कि भाई आप करो कबूतरबाजी करो, कोई बेकार चीज़ नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे बड़ा शौक है भाई कबूतरबाजी, इससे बड़ा कोई शौक नहीं है, ठीक है भाई। तो इसलिए मैंने बता दिया यार, कम से कम आपको ये तो रहेगा, आप कोई भाई पूछेगा आपसे कि भाई ये पाइप कहाँ मिलता है ऐसे वैसे, तो आप मेरी वीडियो आप उस बंदे को शेयर कर देना, ठीक है भाई। तो ये अपना पाइप लग गया, अब आराम से आप कबूतर को दे सकते हो, ऐसे आप दोगे तो भाई उसके मुंह से दोनों साइड से गिर जाएगा। इसलिए मैंने यार छोटी सी वीडियो बनाई, तो यार आपको पता है करना है क्या भाई, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करो यार, क्यों देरी कर रहे हो, किस बात की देरी है, किसका इंतजार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी खतरनाक सी वीडियो में, वीडियो शेयर करना जहाँ तक शेयर कर पाओ वहाँ तक कर देना भाई, ठीक है। अब इसमें लगा दे, अब छोटी वाली में लगाता हूँ एक छोटी सी रिंच चेरी, इसमें भी लगा के दिखा देता हूँ। ये रहा अपना पाइप और इसको कट कर लिया भाई, ज़्यादा बड़ा मत कट करना, छोटा सा ही करना। और भाई बहुत मस्त चीज़ है भाई ये, बहुत सॉफ्ट होता है बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर आपके पास बजट है तो आप नया ले आओ, आपके पास पैसे नहीं है तो आप पुराना ला सकते हो, उसको गर्म पानी में धो लेना ताकि जितने बैक्टीरिया इसमें के मर जाएं। और ये अपना और भाई अपने कबूतर कुछ मज़े ले रहे, नहा रहे हैं। तो ये लग गया भाई अपना, इसमें भी लग गया और इसमें भी लग गया, ये कितने 60 ml की है, ठीक है भाई। और ये कितने ml की है, 12 ml की है, ठीक है भाई। ये कबूतरों को जो उड़ान वगैरह जो भी टूर्नामेंट होते हैं तैयार करने के लिए ये सही है, और बीमार कबूतरों को देने के लिए ये सही है, और पट्ठों को जो फीड कराते हैं वो जो उनका दाना बना के देते हैं पानी में घोल के, उनके लिए ये सही है, और ये बीमार कबूतरों के लिए 10 ml काफ़ी है। तो बस भाई मैंने इसलिए बना दिया था यार, हर कबूतरबाज की छत पे सिरिंच होना ज़रूरी है भाई, सबकी छत पे ही मिलेगी, ठीक है। तो इसके आगे का जो पाइप था मैंने आपको बता दिया, और ये भाई कम ज़्यादा करने वाला है, मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं है भाई, इसको निकाल दो, कैसे निकलेगा ये, हाँ भाई इसका कोई काम नहीं है, ओए डरा रहे हैं यार ये तो। तो भाई अपना पाइप तैयार हो गया, अब मज़े से इसको यूँ बांध के कहीं पे रख दो, अब भाई ये सालों साल चलेगा आपका, ये जुगाड़ हो गया पूरा, ठीक है भाई। तो बस भाई यही थी छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा अपने छोटे छोटे भाइयों को बता दूँ, बाकी सब बड़े भाइयों को तो पता ही होगा, मैं जितने भी छोटे छोटे भाई हैं उनको बता दूँ, ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार ये चीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब बोलना ना बार बार अच्छा भी नहीं लगता, मन करता है तो भाई कर देना, वरना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ यार कमेंट करके ज़रूर बताना यार कैसी वीडियो लगी कैसी नहीं लगी। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए, जब तक अपने छोटे भाई का वेट करते रहना, ठीक है भाई, बाय 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 बाय, चलें बाय।